हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर कमिंग इन दिस वीडियो। आज हम इस वीडियो में देखेंगे ओ लेवल में जो चार सब्जेक्ट होते हैं उनकी जो फुल फॉर्म्स होती हैं, उनमें पूछी जाती हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स कौन कौन सी हैं जो ज़्यादातर रिपीटेड पूछी जाती हैं, जिनके बेस पर हम आंसर्स भी लिख सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आप आंसर कैसे बना सकते हैं। अगर आपको एक फुल फॉर्म पता है उसकी पूरी, आपको अगर याद है वो, तो आप कैसे उसका आंसर लिख भी सकते हैं। तो बने रहिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, अगर आप ओ लेवल का एग्जाम देने जा रहे हैं तो हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से फुल फॉर्म्स लेके चलेंगे और हम आपको बताते भी चलेंगे कैसे इसे यूज करना। देखो तो क्या होता है, अब हम चलते हैं आईटी टूल्स पर, ठीक है। आईटी टूल्स में हमसे सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो है सीपीयू। अब हमसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, जब क्वेश्चन आया तो कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर क्या करता है, सीधे लिख लेता है व्हाट इज सीपीयू क्वेश्चन मार्क। अब अगर हमें सीपीयू की फुल फॉर्म पता है, हमें आंसर नहीं पता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर हमें आंसर पता ही नहीं है सीपीयू होता क्या है, कुछ भी नहीं पता, तो हमें क्या करना है, सीपीयू की अगर हमें फुल फॉर्म पता है तो हम कैसे लिख कर आ सकते हैं। देखो सीपीयू की फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए और उसके तीन पार्ट होते हैं, उनकी भी हमें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो हम बताते हैं सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। ये क्वेश्चन आया, ठीक है, सीपीयू क्वेश्चन आया, हमने लिखा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। अब इतने तो हम अगर ओ लेवल कर रहे हैं तो हमें उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होगी। तो हम बता दीजिए कंप्यूटर का ब्रेन होता है, थोड़ी लाइनें और लिखते हैं। जब हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लिख रहे हैं, इसे हम क्या करेंगे, ब्लैक पेन से लिखेंगे, ठीक है। क्या करना है, ब्लैक पेन से अच्छे से लिखना है जिससे कि एग्जामिनर की नज़र उस पर तुरंत पड़े और वो देखे हाँ इसे फुल फॉर्म पता है, डैट्स मीन कि इसे आंसर भी पता होगा। क्योंकि अगर हम एग्जामिनर हैं, हम खुद अपने ऊपर अगर लेते हैं, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, आप खुद लीजिए, जैसे कि मेरी कॉपी आपके पास आती है और आप देखते हैं इस बंदे ने लिखा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो वो एक बार पढ़ेगा यार इसे तो पता है आंसर, थोड़ा तो पता है ना, क्योंकि फुल फॉर्म पता है तो मतलब कि आंसर भी थोड़ा पता होगा। तो आप ऐसी बना कर लिखिए, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म ये होती है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है, इसका यूज इसलिए किया जाता है, अगर कंप्यूटर में सीपीयू नहीं है तो कंप्यूटर बेकार होता है, कंप्यूटर किसी काम का नहीं होता, बना बना कर लिखते जाइए, ठीक है। 6-7-8 लाइनें इसमें लिख दी आपने, इसके तीन पार्ट होते हैं ALU CU MU, ठीक है। नीचे ऐसे नहीं, पार्ट पता कैसे लिखने हैं, इसके तीन पार्ट होते हैं, नीचे वन डालो ALU, सेकंड डालो CU एंड थर्ड डालो MU, ठीक है। ये डाला, अब आते हैं नीचे, फिर हम फर्स्ट लिखते हैं, फर्स्ट में हम लिखते हैं ALU, इसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि ये अर्थमेटिक गणनाओं को करता है, क्योंकि इसका नाम अर्थमेटिक आ रहा है ना, तो अर्थमेटिक ये अंकगणितीय, जो हिंदी में अगर लिख रहे हैं तो अंकगणितीय गणनाओं को करता है, ये करता है वो करता है, ठीक है। स्टार्टिंग लिख दिया और बस क्लोज कर दिया। नीचे आए MU लिख दिया, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, CU पर आए कंट्रोल यूनिट लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या लिखो, आपने आंसर लिख दिया। तो क्या करना है, आपको आंसर छोड़कर नहीं आना है कभी भी, अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, अगर माइनस मार्किंग नहीं है तो कभी छोड़कर मत आओ, नंबर मिलेंगे अगर, क्योंकि एक एक नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये तो फुल फॉर्म्स हो गई, अब हम एक वन बाय वन सारी फुल फॉर्म्स आपको बताते हैं। आपको मैंने बता ही दिया कि आंसर कैसे लिखना है अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्म की तरफ जो कि इंपॉर्टेंट है, रैम, आपको पता ही होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। चलते हैं डी रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये हो गई रैम की फुल फॉर्म, रोम की फुल फॉर्म जो कि कभी कभी पूछ ली जाती है, मैचिंग में पूछ ली जाती है, ठीक है, इन्हें याद करके रखना, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट इमिटिंग डायोड, CRT कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। CD एंड DVD पर चलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क CD, DVD डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इसे ये भी बोलते हैं। तो ये हो गई कुछ फुल फॉर्म्स, ठीक है। और नीचे और चलते हैं जो कि इम्पोर्टेंट्स हैं हमारे लिए, चलते हैं नेक्स्ट पर, CRT कैथोड रे ट्यूब, ठीक, TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है, ये भी आपको पता होनी चाहिए जो कि LCD LED के पार्ट होते हैं, इन्हें याद रखना। दोस्तों ये जो फुल फॉर्म है ना छोटी छोटी मैं जो बता रहा हूँ, तो ये ना कब पूछी जाती हैं, कभी कभी मैचिंग में पूछ लेंगी, TFT की फुल फॉर्म, TFT लिखा आप किससे मैच करेंगे, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर से, CRT लिखा कैथोड रे ट्यूब से मैच करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट हैं, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है जब हम कोई भी एग्जाम देते हैं तब। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, तो ये नोट डाउन करते जाना, अभी मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लेके चलूंगा इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स की तरफ जो पूछी जानी है, बने रहिए वीडियो।
आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये याद रखना, ये दो क्वेश्चन कभी ये पता है ऑब्जेक्ट में बहुत पूछा जाने वाला क्या है, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये ज़्यादातर पूछा ही पूछा जाता है, तो इसे याद करके रख। यूआरएल हो गया हमारा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो गया, ठीक है, ये याद रखना, ये छोटा क्वेश्चन है, कभी कभी ज़रूर पूछा जाता है यूआरएल क्या होता है, तो आपको अगर फुल फॉर्म याद है तो मैंने बता दिया है आपको आंसर कैसे लिखना है। नेक्स्ट पर चलते हैं, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, ये बहुत बार पूछा गया, किस में, मैचिंग में, कभी फिल इन द ब्लैंक्स में, तो इसे याद रखना, ठीक है, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट पर चलते हैं, वायरस, इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है मेरे दोस्त, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज्ड, ठीक, तो ये फुल फॉर्म नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आईसीटी में पूछा जाता है, आईटी टूल्स में भी पूछा जाता है, कभी कभी इंटरनेट में भी पूछ लिया जाता है, तो ये क्वेश्चन याद करके रखना। चलते हैं नेक्स्ट पर, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ ली जाती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये याद रखना, इसमें मार्कअप जो शब्द आ रहा है इसे याद रखना। देखो कैसे पूछा जाता है, HTML मैचिंग में HTML लिखा हुआ है और नीचे दे दिया मार्कअप, तो आप सीधे मार्कअप से मैच कर देंगे, ठीक है। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये भी बहुत बार पूछा गया है, ISP क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, देखो हमें क्या चलता है, फुल फॉर्म से हमें पता चल जाता है ये है क्या, एक्चुअल में इसका आंसर ही क्या होगा, पता है कैसे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, ये पता चल गया, जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बस बना के लिख दो यार, फेल नहीं होना है इस बार तुम्हें ओ लेवल में, मैं बता रहा हूँ आपको, ये फुल फॉर्म से याद करके जाने, मेरे सारे वीडियोस देखो, सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल बेसिक से बताई हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं वो सारी वीडियोस देखो, छान मारो मेरे यूट्यूब चैनल को, प्ले लिस्ट में जाकर एक एक वीडियोस देखो, फेल नहीं होना है इस बार आपको। चलते हैं नेक्स्ट पर, UPS यूनियन टेरिटोरियल पावर सप्लाई, ये काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है, क्योंकि इसमें थोड़ी इसमें पता है, तो जैसे कि इसमें क्या किया, मैचिंग दे दी गई, मैचिंग में दो दे दी गई, एक यूनिट टेरिटोरियल जो हमने बोला ये, और एक नीचे इसके सिमिलर वर्ड और दे दिया गया, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं हम कौन सा मैच करें, तो ये याद करके जाना UPS की फुल फॉर्म, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर, ISO, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पूछ ली जाती है ये, बहुत से एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट पर, ASP एक्टिव सर्वर पेज, ये याद रखना, एक्टिव सर्वर पेज, ASP क्या होता है, ऐसे एग्जाम में पूछा गया तो क्या लिखेंगे, एक्टिव सर्वर पेज, बस आपको पता चल गया ना, एक्टिव सर्वर पेज, जो पेज एक्टिव रहता हो, बस लिख दो। नेक्स्ट पर चलते हैं, SQL, SQL क्या, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, ये क्या हो गई, लैंग्वेज वर्ड आ रहा है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, लैंग्वेज वर्ड आ रहा है, दैट्स मीन कि ये क्या हो गई, एक लैंग्वेज हो गई, जैसे हमारी सी लैंग्वेज है, तो हम लिख देंगे एग्जाम में, ये आता है SQL पूछा जाता है, तो व्हाट इज SQL, तो हम लिख देंगे दिस इज स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, तो ऐसी बना बना कर लिख दीजिए, ये लैंग्वेज इसमें यूज की जाती है, इसमें जब स्ट्रक्चर होते हैं, तो क्या बोला मैंने, स्ट्रक्चर क्यूरी और लैंग्वेज, ये तीन वर्ड्स जरूर यूज करना जब आप बना बना कर लिखें, कुछ भी नहीं आता है तब की मैं बता रहा हूँ, जब आपको आंसर पता है तो अपना आंसर ही लिखना। चलते हैं नेक्स्ट, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, ये याद रखना। अब मैं आपको लेके चलता हूँ बहुत छोटी छोटी पर, जो कि बहुत ही फुल फॉर्म्स हैं ना, बहुत छोटी छोटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहीं भी आपको, वो हमेशा आपके लिए हेल्पफुल होंगी। वो कौन सी हैं, देखो .com लिखा होता है, हम कोई भी वेबसाइट देखते हैं www.com, तो .com का मतलब क्या होता है पता है, कॉमर्शियल, ठीक है। .net नेटवर्क, .in इंडिया की है, .pk पाकिस्तान की है, ये जरूर याद रखना। .gov मतलब कि गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट की है, .gov गवर्नमेंट हो गया, तो ये फुल फॉर्म्स जरूर याद रखना। और भी जगह चलते हैं, UK हो गया, US हो गया, .us हो गया, .uk हो गया, तो ये याद रखना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर, EDU एजुकेशन हो गया, इन .info लिखा है तो इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर, जो कि अब इम्पॉर्टेंट आने वाली हैं, वो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो क्या होती हैं, लैन मैन वैन ब्लैन, ठीक है, तो इन चारों को आपको याद ही होंगी, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, ब्लैन वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ये याद रखनी है आपको, ठीक है, ये चारों याद रखना, कहीं भी इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पूछी जा सकती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट पर,
केबी किलोबाइट्स, एमबी मेगाबाइट, जीबी गीगाबाइट, ये याद रखना, ये तो पता होनी चाहिए यार, इनका तो हम लोग यूज़ ही करते हैं मोबाइल में, कितने एमबी, कितने जीबी, ठीक है, कितने केबी, ठीक है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट्स हैं, कभी कभी एग्जाम में केस में मैचिंग में पूछ ली जाती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट पर, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आईएसडीएन इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है इंटरनेट में, ये क्वेश्चन याद कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट पर, एसएमटीपी एंड एसएनएमपी, इनमें ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, तो हम एसएनएमपी की फुल फॉर्म बता दें, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जैसा कि अभी हमने बताया था, ये कब पूछी जाती है बता, इसने मैचिंग में दोनों दे दी जाती हैं, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, अब एसएमटीपी और एसएनएमपी में कैसे मैच करें, किसमें मैच करें, कौन सी मैच करें, तो ये याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट पर, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जो काफ़ी बार पूछी, आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा गया है इसका, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, मतलब ये हर जगह पूछा जाता है, मैचिंग में पूछ लिया जाता है, कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, एफटीपी की फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रखना फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपको मैं बताऊंगा एक वीडियो में मैचिंग कैसे करनी है, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा, जल्द ही मिलेगा, कि कैसे हम मैचिंग कर सकते हैं अगर हमें मैचिंग आ ही नहीं रही है, एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है मैचिंग का, चल बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक पहले इसे सीख लेते हैं। आईआरसी इंटरनेट रिले चैट, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है इंटरनेट रिले चैट, अब हम इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं, तो इंटरनेट रिले चैट आया, इंटरनेट के थ्रू क्या हो रही है, चैट हो रही है, ठीक है, समझ में आ गया, इंटरनेट रिले चैट, हमें फुल फॉर्म याद है तो हमने क्या लिखा, इंटरनेट रिले चैट, ठीक है, फुल फॉर्म याद हो गई, इंटरनेट रिले चैट, अब हम कैसे लिखेंगे, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट रिले चैट, जब हम इंटरनेट के थ्रू चैट करते हैं तो उसे हम इंटरनेट रिले चैट कह सकते हैं, ऐसी बना बना कर हम लिख सकते हैं अगर हमें इसका आंसर नहीं पता है तो इसकी चैट की कुछ एग्जांपल दे दो, जैसे कि हम व्हाट्सएप पर चैट करते हैं किसी वर्सन से, वो इंटरनेट रिले चैट के अंडर आ जाती है, और अगर हम वीडियो कॉल करते हैं ये इंटरनेट रिले चैट के अंडर आ जाती है, ऐसे बना बना कर लिख दो, ठीक है। अगर इसका आंसर आपको देखना है तो गूगल पर सिंपली सर्च करो व्हाट इज इंटरनेट रिले चैट, देन आंसर आपको मिल जाएगा, सीधे आप सर्च करते हैं व्हाट इज आईआरसी, आंसर आपको मिल जाएगा, सीजीआई व्हाट इज सीजीआई, कॉमन गेटवे इंटरफेस, इसका पूरा वीडियो बनाया जो काफ़ी पॉपुलर हुआ मेरा, वो जरूर देखिए आप, वीआरएमएल वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज, ये काफ़ी बार पूछी गई है, इसकी भी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है तो इसे भी आप याद रखना, एसजीएमएल स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, इसमें मार्कअप लैंग्वेज आ रही है ये याद रखना, मार्कअप लैंग्वेज है ये स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। अब आते हैं पॉप एंड पॉप थ्री में क्या डिफरेंस होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है, अब पॉप थ्री लग जाता है जब उसमें, तो क्या होता है पॉप थ्री का मतलब हो गया पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन थ्री, अगर यहाँ पर फोर लगा होता तो वर्जन फोर, लास्ट में अगर ऐसे कुछ लिखा हो तो वो समझ लेना वो वर्जन के नाम पर लिखा हुआ है, ये वर्जन फोर का, ये वर्जन थ्री का है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर, IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल वर्जन 4, ये याद रखना आप। चलते हैं नेक्स्ट पर, P2P पूछ लिया जाता है, पीयर टू पीयर नेटवर्क, ठीक है, ये याद रखना। अब हमसे नेक्स्ट जो होती है वो हमसे पूछ ली जाती है PPP क्या है, तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ये याद रखना। TCP/IP जो काफ़ी बार पूछी गई है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो मैंने अभी पहले भी बताई थी, वो याद रखना आप, ठीक है। OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जो काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है, इससे हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, चाहे लॉन्ग में पूछा जाए, कहीं मैचिंग में पूछ लिया जाता है, कहीं फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लिया जाता है, ट्रू फॉल्स में पूछ लिया जाता है, किसी में ज़रूर पूछा जाता है। इसकी सातों जो भी लेयर हैं वो याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप याद करते हैं तो फंसना ही फंसना है इसमें से, एक नंबर का, दो नंबर का, पाँच नंबर का, कभी कभी ये क्वेश्चन आंसर पूरा पूछ लिया गया तो सात नंबर पे पूछा जाता है, तो ये आंसर याद कर लेना, मैंने बहुत ही सिंपल वे में इसे बताया है, ठीक है। इंटरनेट की मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप इसे ढूंढिए, आपको मिल जाएगा, सिंपली आपको सर्च करना है OSI मॉडल बाई आकाश भारद्वाज, यूट्यूब पर आपको आंसर मिल जाएगा। DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये हो गया। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बता ही चुका हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर फुल फॉर्म फिनिश होती हैं आज की, आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा,
मैंने सारी फुल फॉर्म्स कवर की जो भी इंपॉर्टेंट थी, जो काफ़ी बार पूछी जा चुकी हैं, और कब इनसे कभी कभी क्वेश्चन के आंसर भी लॉन्ग में पूछे जाते हैं। अगर आपको आंसर नहीं बता तो मैंने बता दिया कैसे लिखने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रख लेना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, घंटे के बेल आइकन को जरूर दबाना। होता क्या है उससे कि जैसे मैंने लेटेस्ट वीडियो अपलोड की तो वो आपको सबसे पहले मिलेगी। अगर आप ओ लेवल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपसे तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मैं ऐसे ही जॉब्स भी लाता रहता हूँ, अगर कोई ओ लेवल से रिलेटेड जॉब आती तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देता हूँ उसकी वीडियो भी। तो बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।